सुबह सुबह नाश्ते में अगर गर्मा गर्म इडली और चटनी हो तो दिन बन जाता है ना। तो साथ ही में मैंने बनाया था कोफ्ते। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा झटपट रेडी हो रहा है, तो वो खुद ही रेडी हो जाता है आजकल। उसका ईयर है, मतलब 9 साल का है वो, और वो खुद ही रेडी होके ऐसे जा रहा है। लेकिन मैं जाती हूँ साथ में, नीचे आता है गाड़ी, जो पुलकार होती है वही पे वो जाता है, उसी से। तो उसको छोड़ के मैं आ जाती हूँ घर पे, या फिर मुझे अगर कहीं जाना है, कुछ सब्जी लेना है, तो सुबह सुबह ही मैं निकल जाती हूँ। घर आने के बाद आज का मौसम देखिए कितना मतलब अच्छा है, एकदम बारिश होने वाली है। अभी तक बारिश शायद थोड़ी सी धीरे धीरे हो रही है, और मैं ये यहाँ पे कपड़े सुखाई थी और वो उठाई भी नहीं थी, तो चलो अभी उठा लेती हूँ, क्योंकि पानी गिर रहा है तो ये गीले भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी से फटाफट कपड़े निकाल लेती हूँ, और आजकल ना कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने उठा लिए कपड़े, आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे है बैटर, ये है दाल चावल को मैंने कल पीस के रखा था, और इससे बनने वाला है आज इडली। तो इसको मैंने छोटा बर्तन में आधा निकाल लिया है, और इसमें ना मिलाएंगे हम जो है वो है नमक और सोडा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं दे रही हूँ यहाँ पे नमक, और साथ ही में पिंच ऑफ सोडा। तो सोडा डालने से बोलते फूलते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको ना अच्छे से चलाना है, मतलब बैटर को अब अच्छे से मिक्स करना है। बोलते नमक डालने के साथ ये थोड़ा सा जो है गीला होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा ड्राई है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और ये अब रेडी है। अब मैं ले रही हूँ ये बर्तन, मेरी सासू माँ ने, मतलब मेरी सासू माँ को दिए थे उनकी मम्मी ने, और फिर उन्होंने मुझे दिए, तो बोल सकते हैं आप 3 जनरेशन में इडली बन रहा है। मैंने उनसे ही सीखा इडली बनाना, शादी से पहले तो मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता था, तो मेरे घर में तो बनता भी नहीं था, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। तो यहाँ पे देखिए गरम हो चुकी है, पानी डाल के गरम करने रख दिया, और अब इनको एक एक करके चढ़ा दे रही हूँ, और अच्छे से ढक्कन को ढक देना है, और इसको रख देना है 20 मिनट के लिए। साथ ही साथ मैं बना रही हूँ चटनी, नारियल का चटनी बना रही हूँ। तो ये ना मेरे घर में बहुत पसंद है सबको, तो इडली बनने से तो ये चटनी बनना ही है। तो इसमें डाला मैंने चना दाल, उसके साथ मूंगफली, और यहाँ पे देखिए डाल दिया मैंने नारियल, डाल के तीनों को, साथ में कच्चा मिर्चा, अदरक, सबको भून लेना है, थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। और मैं आई हूँ यहाँ पे चाय पीने, सुबह सुबह अगर एक कप चाय ना हो तो दिन कैसे बनेगा। तो सुबह का चाय का जायका ले रही हूँ मैं, चाय पी के सीधा आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और यहाँ पे देखिए ये ठंडे हो चुके, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, इसको अच्छे से पीस लेना है, एकदम बारीक पीसना है। साथ में इसमें ना एक फोरन डालेंगे, जो बोलते हैं छौंकते हैं वो। तो इसमें तेल डाला है मैंने, सूखा मिर्चा, सरसों और करी पत्ता डालते हैं, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास तो मैंने आज नहीं डाला है। साथ में पानी और नमक, इसको ना ठंडा कर लेना है, और उसके बाद ही जो है ये पेस्ट को जो हम लोगों ने पीसा था उसको अच्छे से डाल देना है और अच्छे से मिला देना है। तो हमारी ये इडली चटनी रेडी है, और साथ ही में मेरा नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना सांबर भी है, सांबर मैं आज नहीं बनाई थी, कल बनाई थी, तो उसमें से थोड़ा सा रख दी थी, तो वो आज काम आ गया। तो होता है ना कभी कभी, देखिए लेफ्ट ओवर खाना भी कितना काम में आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ भी ना फेंकूं, और अगर कुछ रह जाता है तो उससे कुछ ना कुछ कर लूं। तो मैं यहाँ पे अपने खाने को एंजॉय कर रही हूँ, इडली और सांबर, अकेले बैठ के खाने में मजा ही अलग है। खाने को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और बहुत चाव से खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और बाल मैंने गीले नहीं किए हैं, थोड़ा सा पानी डाला था खाली सर में, और वो ऑलमोस्ट सूख भी गए हैं। लंच बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए इडली ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, सुबह जो बनाई थी मैं पूरा कढ़ाई भरा हुआ था, और यहाँ पे कच्चे केले और आलू उबाल के रखी हूँ, इनके कोफ्ते बनाऊंगी, और इनका जो छिलका है ना इनको भी नहीं फेंकूंगी आज, इनका बहुत ही टेस्टी सा चटनी बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने इसको निकाल के रख लिया है और उबाल के रखा है इसको, इसको बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले केले को अच्छे से स्मैश कर लिया, उसमें आलू, धनिया पत्ती, प्याज, मिर्चा, साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिलाना है। ओ हाँ, साथ ही में ना नमक भी, नमक तो डालना ही है स्वाद अनुसार, बस इसको सब चीज डाल के अच्छे से मिलाना है। और इसका आलू जो है ये बाइंडिंग का काम तो करेगा, लेकिन मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा इसमें जो है बेसन डाल देती हूँ, ताकि ये एकदम फटे ना, तो ये फटते भी नहीं है, देख लें आप, मैं बनाऊंगी आगे जैसे ही। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिला दिया सारे चीजों को, और इनका ऐसे छोटे छोटे
में बॉल बना लेना है। आप चाहे तो कोई भी शेप में बना सकते हो, बट इनके कोफ्ते ना बहुत टेस्टी लगते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। बस कढ़ाई में तेल गरम करना है और इसको अच्छे से लाल मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भून लेना है दोनों चारों तरफ से। आप चाहे तो डीप ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं, पर तेल बाद में वेस्ट हो जाता है, फिर तेल बच जाने से फिर उसको फिर यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं कम तेल में ही भून ली हो। और बचे हुए तेल में यहाँ पे देखिए मैंने गरम मसाला, उसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। इनका बहुत ही टेस्टी एक करी बनाऊंगी सबसे पहले, तो उसके लिए टमाटर ज्यादा करके 2 टमाटर मैं डाली हूँ, साथ में नमक। बस अच्छे से भून लेना है, जैसे मसाला पकेगा उसमें डाल देना है हल्दी, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल के थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए और नीचे से लग ना जाए। बस इसको अच्छे से कर लेना है। साथ में यहाँ पे बना रही हूँ मैं वही चटनी, उसके लिए मैंने लहसुन डाला, कच्चा मिर्चा डाला, साथ में ये छिलके केले के छिलकों को मैंने काट लिया है। बस इसको अच्छे से डालने के ना अच्छे से फ्राई करना है, हल्का फ्राई करने के लिए रख दी हूँ और साथ ही में यहाँ पे पानी डाल दिया मैंने मसाले में, और ये अच्छा सा एक ग्रेवी होने वाला है। आप चाहे ना क्रीम भी यूज कर सकते हो। आप कोफ्ते मैंने डाल दिए इसमें, इसको ज्यादा नहीं चलाना है तो ये कोफ्ते जो है ना टूट जाते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी है। हस्बैंड बोले ये तो फिर से बनाना एक बार। तो बस छिलका देखिए यहाँ पे हो गया, इसको मैंने डाल दिया है मिक्सी का जार में, ये ठंडे हो चुके हैं और इसमें डाल दिया मैंने साथ ही में धनिया पत्ती और डालेंगे इसमें नमक भी डाल के इसको ना अच्छे से पीस लेना है। मैंने कभी नहीं खाया था, ये पहली बार मैं ट्राई की हूँ, बट सच बता रही हूँ आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। खाने में अगर दाल भात भी हो और साथ में एक चटनी हो तो बहुत टेस्टी लगता है। खाना मेरी बन चुकी है और यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था आलू का चोखा, साथ में 2 बॉल रखा है आयुष के लिए। ये है वो चटनी जो छिलके का चटनी मैं बोल रही थी, ये देख रहे देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत मतलब हेल्दी भी है। साथ में ये कोफ्ते देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया और खाने में बहुत मजा आया, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और मेरी बुआ सास उनको भी बहुत पसंद आया। तो चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म दाल भी रेडी है और ये मैंने मसूर का दाल बनाया है और इसमें ना लहसुन का छौंक डाला है, ये डालने से ना पूरा बहुत टेस्टी लगता है, खास करके मसूर दाल में। तो गर्मा गर्म चावल निकाल ली हूँ मैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले बेटे के लिए खाना निकाल रही हूँ, तो इसीलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा दूंगी, एक बार खा लेगा ना, अगर चाहिए होगा तो मैं बाद में दूंगी, मुझे ना खाना वेस्ट करना एकदम पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए मैं उसको उसी हिसाब से खाना देती हूँ और उसको मैं पूरा खाना जो है फिनिश करवाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चटनी दी थी मैं उसी से मैंने पहले खिला दे रही हूँ ताकि वो बाद में उसको छोड़ ना दे। तो हो गया है, आगे वो मैं रूम में और थोड़ा सा मैं फोन देख रही थी, यहाँ पे हस्बैंड मुझे बोलने लगे कि आप बैठ के फोन देखते रहती हो, दिन भर का काम किसी को नहीं दिखता है लेकिन फोन देखना जरूर दिखता है। तो इसीलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि बार बार के मेरे फोन देखने में नजर मत लगाओ, थोड़ा सा क्या मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल सकती, हर टाइम क्या घर का ही काम करते रहो। बस ये तो चलता ही रहता है, आप सभी को पता है, आप सब लोग भी इसी दौर से गुजरे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं एक नया वीडियो में, बाय बाय। Bye.